नमस्कार, स्वागत है आपका पेपटेक के सिटी हॉल में। आज केंद्र सरकार का बजट जारी हो चुका है। देश का आम बजट और रेलवे बजट देश के लोगों के सामने है और इस बजट पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी देश भर से आने लगी हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब देश के आम बजट और रेल बजट को एक साथ जारी किया गया है। देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज सुबह लोकसभा में इस बजट को जारी करते हुए बताया कि ये बजट दूरगामी लाभों को देखते हुए लोगों के सामने लाया गया है। कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं बताई जा रही हैं, तो वहीं रेल में जो ई टिकटिंग है उस पर सरचार्ज हटा लिया गया है, जिससे रेल टिकटों के सस्ते होने की उम्मीद जागी है। इसके अलावा कुछ और लाभ हो सकते हैं, लेकिन इस बजट को कांग्रेस किस दृष्टि से देख रही है, उसका आलोचनात्मक पक्ष क्या है वो जानेंगे। साथ ही भाजपा की दृष्टि से ये बजट क्या यूपी को टारगेट कर रहा है इसको भी जानेंगे। साथ ही बजट की बारीक पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता प्रभात अग्रवाल जी, हमारे साथ हैं भाजपा के नेता सुधीर शर्मा जी जो खजुराहो से आते हैं, पर्यटन और बजट पर बारीक नजर रखते हैं। साथ ही बजट एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ है टैक्स लॉयर अभिषेक खरे जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर स्टूडियो में। अभिषेक जी, सबसे पहले चूंकि हम छतरपुर के स्तर पर इस बजट की समीक्षा कर रहे हैं, तो हम अपने स्तर पर इस बजट को जानना चाहेंगे, एक आम आदमी के लिए आज का बजट कौन कौन सी संभावनाएं लेकर आ रहा है, क्या खास बिंदु है आज के बजट के? आम आदमी के लिए आप बता दें को जी, ये बजट काफी खास है, क्योंकि जो मेन फोकस किया गया है वो आम आदमी को ही फोकस किया गया है। जो सरकार का मेन पहलू है कि जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स है उनको नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ाने हैं, इसीलिए उनने जो इनकम टैक्स स्लिप में संशोधन किया है 2.5 लाख की जगह 3 लाख, और जो सबसे बड़ा उनने संशोधन किया है, जो टैक्स पेयर 3 लाख से 5 लाख तक में 10% था उसको उनने 5% ला दिया है। तो इससे कि जो उनकी डिमोनेटाइजेशन की रणनीति थी उसके तहत जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं वो बढ़ेंगे, जिससे कि आने वाले कल में निश्चित ही आम आदमी को उसका फायदा मिलेगा। जी, मैं इसको और थोड़ा सरल करना चाहता हूँ, आम आदमी कैसे समझे? अगर कोई व्यक्ति सालाना 10 लाख रुपए कमा रहा है तो इस बजट के हिसाब से उसको सरकार को कितने पैसे टैक्स के रूप में अदा करने हैं? पहले जो उनके स्लैब था जी, उसमें 2.5 लाख से 5 लाख तक 10% का रेट था। तो समझ सकते हैं 2.5 लाख से 5 लाख तक जो 2.5 लाख का डिफरेंस है उस पे उनको 10% यानी कि 25,000 करीब टैक्स देना पड़ता। यानी आपकी आय का 2.5 लाख बगैर टैक्स का है और बाकी का जो 2.5 लाख है उसमें 5% टैक्स आपको। हाँ, पहले 10% देना, पहले 10 था, अब जो 5% कर दिया, यानी कि अब वो 25,000 रुपए से सीधे 12,500 रुपए हो गए, टैक्स छूट हो गई। यानी जो 5 लाख कमा रहे हैं उनको 12,500 रुपए टैक्स देना है। जी जी, इसके अलावा छूट को बताया जा रहा है कि 3 लाख कर दिया गया है, तो जो 2.5 लाख की छूट थी उसको 3 लाख कर दिया गया है। हाँ, बाकी उनमें कोई स्लैब चेंज नहीं किया है। 3 लाख से 5 लाख तक उन्होंने 5% रखा है जी, 5 लाख से 10 लाख तक उन्होंने 10% रखा है जी, 5 लाख से 10 लाख तक 20% रखा है, 10 लाख से उन्होंने 30% कर दिया था रखा। तो क्या इस कदम से अब टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ जाएगी? जी निश्चित ही इस कदम से टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ेगी, और जो सरकार को रेवेन्यू मिलना है उसमें भी निश्चित ही बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा और कौन कौन से खास बिंदु हैं आज के? उससे ये है कि जो अभी तक का जो एडवांस टैक्स का पेमेंट था वो 2016 की कंपैरिजन में इस साल अभी 35% इंक्रीज हो चुका है। और जो उनका इन्वेस्टमेंट रहा है हर चीज में, कि उनने पॉलिटिकल पार्टीज को भी पारिस्टर आने के लिए 2000 तक ही कैश पेमेंट कर दिया है, बाकी उनने कहा है कि अब डिजिटल मोड से ही पेमेंट करें। ये उनने उसका खास पक्ष रखने के लिए उसको राजनीतिक शिकंजा भी एक तरह से पार्टियों पर रहेगा। एक चीज मैं और समझना चाहता हूँ, जब पिछले महीने नवंबर में नोटबंदी हुई तो क्या आपको लग रहा है कि इस टैक्स में ऐसा कोई प्रभाव नोटबंदी का भी देखने को मिल रहा है, कि किसी नोटबंदी के दुष्प्रभाव के कारण जैसा कि कहा जा रहा था विपक्षी दलों के द्वारा, उसके असर को भी कम करने की कोशिश की गई है? जी बिल्कुल, उनने इनकम टैक्स में एक ऑप्शन रखा है, ऑप्शन फॉर कैश ट्रांजेक्शन, जो भी आपने कैश डिपोजिट किया, कैश ट्रांजेक्शन किया, तुरंत आपके पैन कार्ड से आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वहां तुरंत रिफ्लेक्ट होगा, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत ही आसानी से वो चीज़ ट्रेस हो जाएगी जो अभी तक ट्रेस नहीं हो पाती थी। अभी तक जो ने बैंक्स के ट्रांजैक्शन थे उसको ने इनकम टैक्स से लिंक कर दिया है, और इनकम टैक्स में एक नया ऑप्शन आ गया है, जैसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में व्यक्ति TDS वगैरह चेक कर लेता था 26AS के थ्रू, आज वही एक ऑप्शन आ गया है कैश डिपॉजिट ट्रांजेक्शन का, कि व्यक्ति या जो SSC है अपनी लॉगिन ID पासवर्ड से उसको लॉगिन करके कैश डिपॉजिट ट्रांजेक्शन को चेक कर सकता है। चलिए
सर ये तो रही फिगर्स की बातें जो टैक्स पेयर्स के लिए अभिषेक जी बता रहे थे, इसके अलावा अगर हम इनकम टैक्स और सेल टैक्स को छोड़ दें तो बाकी क्षेत्रों पर आज के इस टैक्स का, आज के इस बजट का क्या प्रभाव आप देख रहे हैं? भाजपा की दृष्टि से कृषि, रेल और तमाम दूसरे क्षेत्रों में क्या सौगातें दी हैं आज के इस बजट में? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण दिन है, ये वसंत उत्सव का दिन, भारत के विकास का बजट, ये किसी भी व्यक्तिगत न किसी राज्य के लिए बनाया गया है न चुनाव के लिए बनाया गया है। चूंकि भारत के स्वतंत्रता के बाद जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में आया है उसकी शुरुआत में करता हूँ नोटबंदी से। नोटबंदी का जो सिस्टम जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया उसमें उनकी स्वच्छ भूमिका नज़र आती है कि हमें अपने देश में कालाबाजारी और टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ाना है। उसी को देखते हुए अगर आप देखेंगे इस बजट में, इस बजट के अंदर सीनियर सिटीज़न, फार्मर, मिडिल क्लास से नीचे के हमारे गरीबी रेखा के लोग, इनको बहुत ही अच्छी तरह स्टडी करने के बाद हमारे माननीय वित्त मंत्री जेटली जी ने इस बजट को बनाया है। हर व्यक्ति को इसमें वो सुविधाएं दी गई हैं जो कि इस देश के लिए अपना कोलैबोरेशन देते हैं। हर छोटे व्यक्ति की भी इच्छा जागरूक की है कि इसमें टैक्स पे करना शुरू करेंगे, 3 लाख से 5 लाख में मात्र 5%, जिसके अंतर्गत आने वाले करीब 40% हमारे मिडिल क्लास, हमारे जो भारत की इकोनॉमी को जो आगे बढ़ाने की अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स, अपने कारीगर वर्कर्स, स्किल डेवलपमेंट में काम करने वाले वर्कर्स जिनका सिर्फ हाथों का काम है, वो बड़े लाभप्रद हुए हैं। अब एजुकेशन सिस्टम में देखेंगे आप तो यहाँ कई पॉलिसीज़ को ऑनलाइन दिया गया है, कई कोर्सों को ऑनलाइन शुरू किया गया है। फिर हम आएंगे अगर टूरिज़्म और पिलग्रिम्स में, तो टूरिज़्म तीर्थ और पर्यटन के लिए स्पेशल पॉलिसीज़ बनाई गई हैं इनके डेवलपमेंट के लिए, जिनमें कई जगह सब्सिडी दी गई है। इनमें चूंकि ये बजट हमारा रेल के साथ भी था तो इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यंगस्टर, हमारा युवा आजकल अपनी ऑनलाइन बुकिंग करता है, उसका भी टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर इसमें कई ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो कि हो सकता है कि भारत के इतिहास में पहली बार दी गई हों। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए उनके अकाउंट में 6,000 रुपये ऑटोमेटिक पहुँचेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा जो कि ऑल ओवर द इंडिया, और अगर वो ओवरसीज जाते हैं तो उसमें जो भी उनकी इंश्योरेंस कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल होगी उनकी टेक केयर करने के लिए। ये जो वादे हैं, इतने लोक लुभावने वादे हैं, इसी को लेकर ये शंका पैदा हो रही है कि कहीं ये यूपी को टारगेट करके तो नहीं जारी किया गया। ये मैं कांग्रेस से जानना चाहूंगा, प्रभात जी इस बजट पर पहली तो क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की है और दूसरी ये कि कहीं ये चुनावी लोक लुभावना बजट नजर आ रहा है क्या? एक जनरल सा बजट है जिसमें एक नोटबंदी के कारण जो पूरे देश में हाहाकार मचा, 125 से 30 आदमियों की मौत हुई, किसान, छोटा व्यापारी, हर ऊपर से नीचे सब लोग परेशान हुए, उनको किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी गई। जो मनरेगा की स्कीम थी जिसको देश के प्रधानमंत्री ने संसद में जिसकी सरेआम पार्टी की बुराई करी और ये कहा कि ये कांग्रेस का कफन बनेगी, उसी मनरेगा को आज गाँव में रोजगार के लिए उपयुक्त माना गया और उसके लिए बजट अलॉट किया गया। ये यू टर्न है इस सरकार के कि जिसको खराब भी बताए गए आज उसी की जरूरत महसूस हो रही है देश के ग्रामीण क्षेत्र में कार बढ़ाने की। जो ये सरकार 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने के वादे के साथ आई थी, इस चौथे बजट में भी कोई ऐसा काम नहीं किया गया इसमें देश में रोजगार पैदा हो और जो हर महीने 1 लाख लोग युवा
हमारे रोजगार के लिए निकलते हैं, उनके लिए कोई रोजगार की स्कीम पूरे बजट में नहीं है, जबकि ये चौथा बजट है। अगली बार आखिरी बजट होगा क्योंकि 18 में चुनाव होगा, ये लास्ट बजट है एक हिसाब से जिसमें आप योजनाएं निकाल सकते हैं। कोई योजना नहीं दी गई, ना किसानों के लिए कुछ किया गया, ना व्यापारियों के लिए कुछ किया गया। जब पॉलिसी, जब सातवां पे कमीशन लग गया है, तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं, लोगों को महंगाई इतनी बढ़ी है, तो निश्चित रूप से लोगों का कुछ फायदा भी बढ़ेगा। तो उस हिसाब से जनता की मांग ये थी कि 5 लाख तक की टैक्स छूट होनी चाहिए, लेकिन उनने टैक्स बढ़ाने के लिए उसको थोड़ा कम किया है, 5% किया है, लेकिन उनको छूट नहीं दी गई है। 2.5 लाख की छूट है, महिलाओं को 50,000 की पहले से भी छूट थी, वो कुछ नहीं किया गया। एक छोटा सा झुंझुना पकड़ा गया है जो 5-7 हज़ार रुपये साल का एक आदमी के लिए है, इसके अलावा पूरे बजट में कुछ नहीं है, केवल शेर व शायरी का बजट है जो 1.5 घंटे उनको बोलना था तो बोलते रहे हैं, और कहीं कुछ नहीं है। इधर का उधर कुछ इधर कुछ उधर ही करके बजट भाषण पूरा किया गया है और कुछ नहीं किया गया है। यदि आप यूपी को टारगेट करके चलें तो यूपी की जनता भी बहुत समझदार है, वो जानती है कि इस बजट से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। और जब ये आएंगी, अभी आपने CBSE बंद कर दिया, आप अलग से परीक्षा लेने के लिए एक नया बोर्ड बनाएंगे, अभी जब बनेगा तब वो देखा जाएगा, अभी जब इसके डिटेल्स आएंगे, छोटे छोटे पॉइंट आएंगे, तब जनता को समझ में आएगा कि जो एक अभी भाषण हुआ है उसमें भी कितने नीचे से लूज पॉइंट निकाले जाते हैं। जिस तरह से नोटबंदी में रोज बदले गए, उसी तरह से ये बजट भाषण है, कहीं किसी को कुछ नहीं मिला। सुधीर जी, बहुत सारे लूज पॉइंट्स हैं ऐसा लग रहा है कांग्रेस। ये एकमात्र भ्रम है, मैं हमारे परमप्रिय अग्रवाल साहब से सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हमारी पॉलिसीज में कहीं भी किसी भी जगह दो जगह हम किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से नहीं चलते हैं। यह सत्य है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से देखता है, लेकिन इस बजट के अंदर और जो नोटबंदी के अंदर जितनी भी चीज़ें ये दी गई हैं, इसमें भारतवर्ष की दो सबसे बड़ी समस्याएं खत्म होंगी, एक है भ्रष्टाचार और एक है कालाधन। नहीं, भ्रष्टाचार और कालाधन ये अलग मसला हो गया, मॉनिटरिंग से जुड़ा मसला हो गया, लेकिन इस बजट में विकास की कहां बात हो रही है? इसमें विकास के लोगों लिए को सहूलियतें देने की, आप विकास के लिए क्या नहीं देखे? देखिए, आप यंगस्टर्स के लिए 350 ऑनलाइन कोर्स खोले गए हैं, यंगस्टर्स के लिए ऑनलाइन वो किसी भी हायर एजुकेशन के लिए जो लोन लेंगे उनके बैंक इंटरेस्ट बहुत लिमिटेड किए गए हैं। जितने भी अपने हिंदुस्तान की मिडिल क्लास है, आज उनसे आप पूछिए ये क्वेश्चन, मैं अपने आप को मिडिल क्लास मानता हूँ, मेरी बहनें आज सब बड़ी खुश हैं क्योंकि उन सब लोगों को इनकम टैक्स में, उनको मकान के रेट में, उनको किसी भी चीज़ में, आज कौन लोग परेशान हैं? अभिषेक जी से पूछ लेते हैं, राजनीति इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन जो आपने शर्मा जी ने कहा जी। इसमें काफी स्टूडेंट को सहायता मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन पे उन्होंने कोई कमी नहीं रखी जो पहले था, आज भी बरकरार रखा गया है, इसमें कहीं कुछ नहीं दी, छूट का कोई प्रावधान नहीं है। मेरा कहना यहाँ पर ये है कि जो पढ़ गए हैं, जो पढ़ लिख के निकल गए हैं, जिसको नौकरी चाहिए वो क्या करेंगे? जो रोज जिसको पढ़ लिख लिया, आप तो लेन दे रहे हो पढ़ने के लिए, जो पढ़ गए हैं आज उनके लिए रोजगार नहीं है, वो क्या करेंगे? उनके पास कोई काम नहीं है। आज की तारीख में बड़ी बड़ी कंपनियां जो नोटबंदी के कारण घाटे में गई हैं, वो डेली कर्मचारियों को अपने यहाँ से निकाल रही हैं। जो हमारे यहाँ से काम करने बाहर जाता था वो भी वापस आ रहा है, उसके लिए गांव में रोजगार नहीं है। जेटली जी ने एक बहुत अच्छा आज एक नया, आपने यदि कल देखा हो तो H1B1 यदि पॉलिसी अमेरिका एडॉप्ट कर लेता है पासपोर्ट की, तो हमारे जो सॉफ्टवेयर के इंजीनियर अमेरिका में काम कर रहे हैं वो आधे से ज्यादा मारे यहाँ वापस आएंगे। उनके लिए हिंदुस्तान में क्या आपने व्यवस्था करी इस बजट से? बजट कोई बजट कोई घर का बजट नहीं है, ये देश का बजट है, इसमें बड़ा लार्ज लेवल का काम किया जा रहा है। ये तो आप किसी भी चीज को अगर देखें, अगर कोई अमेरिका अपनी कोई पॉलिसी बना रहा है, नहीं एम्प्लॉयमेंट पर आइए आप, एम्प्लॉयमेंट के लिए ये बजट पर क्या काम, एम्प्लॉयमेंट के लिए ये बजट सबसे सार्थक है। आप सुनिए, सबसे पहले 28,000 गांवों में रूरल एरिया के अंदर स्किल डेवलपमेंट्स और इनको क्लीन वाटर देने की योजना ये बनाई गई है। 50,000 लोगों को मैंने पढ़ा था, 50,000 लोगों को हम स्किल डेवलपमेंट के जरिए निकालेंगे, लेकिन उनको फिर निकाल कर उनको रोजगार के लिए कहां अवसर होंगे? आपकी जो बजट की पॉलिसीज है, इस बजट की पॉलिसी में सारे जितने लोग जो परेशान थे 1960 से लेके अभी तक, कभी हैंडीक्राफ्ट के लोगों को, हथकरघा के लोगों को कभी भी कोई भी किसी प्रकार की फैसिलिटीज नहीं दी गई है।
आज आपके तीर्थ स्थानों के अंदर कितने भी लोग जाते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हुए, पर्यटन के स्तर के देखते हुए, पॉल्यूशन को देखते हुए, सफाई को देखते हुए, जो ये चीजें हैं, ये टूरिज्म हुआ, स्किल डेवलपमेंट हुआ, हैंडीक्राफ्ट हुआ, ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने वाली चीजें हैं। अभिषेक जी, अगर राजनीतिक दृष्टि से थोड़ा सा इस मसले को दूर से भी देखें, कांग्रेस या भाजपा ही होने के अलावा इस मसले को देखें, तो क्या इस बजट से कोई बड़े स्तर पर रोजगारों के सृजन की उम्मीद नजर आ रही है? नहीं, इस पर बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। जैसा कि आप देखें, जेटली जी ने बातें तो बहुत बड़े बड़े किए हैं, उनका क्रियान्वयन किस तरह से होता है, एक उम्मीद है। आज इस व्यवस्था को एक उम्मीद है। जैसा कि जेटली जी ने कहा कि जो बड़े लोन डिफॉल्टर्स हैं उनके लिए बहुत कड़ी योजना बनाई जा रही है। जैसे कि अभी आपके जो आगामी जो पैसे लेके देश से बाहर चले गए उनके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। अभी ये योजनाएं कितनी क्रियान्वित होती हैं, ऐसी रोजगार के लिए है। कहा तो उन्हें बहुत कुछ है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में हम दे रहे हैं, इतना इस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे रोजगार कितने क्रिएट हो रहे हैं, ये अभी अपन को आगे देखने को मिलेगा। दूसरा, एक रेलवे के बारे में जरूर कहना चाहते हैं। रेलवे का बजट जब अलग आता था तो निश्चित रूप से रेलवे बजट से लोगों को आशा रहती थी, हमारे सांसदों को भी रहती थी और सांसदों से हम लोगों को रहती थी कि हमारे क्षेत्र को कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन रेल बजट को आम बजट के साथ जोड़ने से ये और हुआ कि अब किसी को ये भी पता नहीं कि अब हमारे छतरपुर में रेलवे स्टेशन चालू हो गया, हमारे यहाँ बहुत बड़ी डिमांड है कि हमारे से रेल शुरू हो, लेकिन ना कोई कहने वाला रहे ना कोई सुनने वाला हुआ कि उस रेलवे का कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ रहा। हाँ, वो तो रेलवे बजट से हम लोगों को क्या मिला? हाँ, कुछ पता ही नहीं, क्योंकि सबका ध्यान तो आम बजट पे रहा। रेलवे के लिए तो उस रेल बजट अब उन्हें एक जनरल सा हो गया कि हमने रेल को इतना बजट दे दिया, अब आप करते रहो अपना। लेकिन उससे हमारे हिसाब से कांग्रेस के समय पहले हो रहा था वो गलत डिमांड थी। दूसरा मेरा ये कहना है कि बजट से इंस्पेक्टर राज को निश्चित रूप से पहले से भी बढ़ावा मिला है और बढ़ावा मिलेगा। केवल इंस्पेक्टर राज जो कांग्रेस के समय में कम हुआ था या बंद हुआ था वो फिर से चालू है, चाहे छोटा व्यापारी हो या किसान हो, हर कहीं से ना कहीं से जांच अधिकारी और इंस्पेक्टरों का प्रभाव है। और हमारे शर्मा जी खजुराहो से आते हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि खजुराहो में ऐसा कौन सा काम हो गया जिससे वहां पर टूरिस्ट बढ़ गया हो पिछले साल या इस साल बढ़ जाएगा इस बजट से? शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय अपने कांग्रेसी मित्र से एक चीज कहना चाहूंगा, हम लोगों का, हमारी सरकार का काम ज्यादा योजनाओं को जन्म देना नहीं है, हमारी जो योजनाएं चल रही हैं उनको कारगर और सुचारू रूप करना है। कांग्रेस का काम था हर दिन एक योजना का जन्म देना। आज अगर हमारे बजट को साथ दिया गया है तो आप इसमें ये मान के चलिए कि इसमें हजारों करोड़ रुपए का हमको फायदा होगा, क्योंकि हमारे जो बजट विभिन्न डिपार्टमेंटों से होते थे वो आज सारे के सारे कंसर्न होकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आ गए हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप वेबसाइट खोल के रेलवे की अगर आप शाम को देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिलेगा। अगर छतरपुर के लिए कोई भी योजना अगर वहां पे पारित की हुई होगी तो वो आपको वहां पे प्राप्त हो जाएगी। दूसरी चीज, आपने हमसे बोला कि खजुराहो को क्या मिला, हम आपसे पूछते हैं कि खजुराहो को क्या नहीं मिला। आज खजुराहो के पास इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आज खजुराहो को कल ही एक हमारे लिए बड़ी सौगात मिली है, इतनी बड़ी 4 लाइन हमको रेल मिल गई है। अब चूंकि वर्ल्ड क्राइसिस की वजह से अगर टूरिज्म सफर कर रहा है तो उसके लिए हम सरकार को नहीं बोलेंगे। हमारी जो नीतियां हैं टूरिज्म प्लेस के लिए, हमारी जो नीतियां हैं तीर्थ स्थानों के लिए, हमारी जो नीतियां हैं एजुकेशन स्ट्रक्चर के लिए, हमारी जो नीतियां हैं हेल्थ के लिए, आप एक टोटलिटी पे बात कीजिए। किसी उस मुद्दे को मत लीजिए कि आप ये कहेंगे कि ये इनने शेर शायरी करी है। शेर शायरी तभी होती जब कोई चीज अच्छी होती है। हम तो यही कहेंगे आपसे कि आपने जो देखा है अभी तक वो हमने देखा है, अब जरा जो हम कर रहे हैं आप भी देखना सीखें। हम लोग किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, आप बताएं अभिषेक जी, किसानों को के मुद्दे को लेकर इस बजट में क्या कोई उम्मीद हो? हाँ, किसानों को एक उम्मीद उन्हें दी है, जो उन्हें 50 करोड़ तक के टर्नओवर की छोटी कंपनियों को जो टैक्स में जो उन्हें कमी दी है 30-25% की, निश्चित ही किसानों को उसका कुछ लाभ जरूर मिलेगा, जो सरकार से हर किसान को उम्मीद थी। किसान आया है, किसान के लिए फायदेमंद है ये बजट, फायदेमंद है किसान के लिए। प्रभात जी, किसान के लिए फायदेमंद बजट कैसे? चूंकि किसानों को लोन देने की एक बड़ी बात कही गई है और जो कंपनियों को छूट दी जा रही है, तो ऐसा लगता है आज कांग्रेस की सरकार में जो यूरिया के, डीएपी के और खाद के रेट थे, आज उससे दुगने से ऊपर के रेट हैं और किसान को मिलती नहीं है। जहां तक लोन की बात है तो आप जानते हो कि सोसाइटियों की क्या स्थिति हो गई है, सोसाइटियों से लोन किस हिसाब से मिलता है। अभी जब नोटबंदी हुई तो सबसे पहले सोसाइटियों पे और कोऑपरेटिव बैंक में आपने पैसे जमा कराना बंद किए, उस किसान का तो स्थिति ये हुई कि जो उसका उर्दा 6,000 के भाव में था और उसको पैसा जरूरत थी तो उसने व्यापारियों को 4,000 के रुपए में बेचा है,
उसका जो लॉस हुआ है नोटबंदी की वजह से वही पूरा नहीं हो पा रहा है, उसको फायदा कहां से मिल जाएगा। ये देखिए, ये बात कहने के लिए भाजपा वालों को, चूंकि भाजपा की सरकार है तो उन्हें अपना पक्ष रखना है, वकील साहब को चूंकि वकालत में किसान तो जाता नहीं, 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 तो वकील साहब जो बोल रहे हैं वो निष्पक्ष बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता जो प्रैक्टिकली है किसान बहुत ज्यादा परेशान है, व्यापारी परेशान। आप कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में, मैं बिजनेसमैन, बीजेपी और एक ऐसे मैं स्वयं बिजनेसमैन हूं, मैं जानता हूं बाजार की स्थिति क्या है। देखिए, वास्तविकता ये है कि पूरा बाजार चौपट है। नहीं, किसानों को लेकर इस बजट, किसानों को लेकर सबसे बड़ी बात जो हमारे एक्सपर्ट साहब ने कही, वकील साहब ने, वो सत्य है। आज आप उठा के देखें मार्केट के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं वो मात्र 25% में आपके लिए उपलब्ध हैं। अगर हम कहते हैं शर्मा जी यहां से चलें और एक 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 किसान को 25% में दिलवा दें, हम आपको पंप दिलवा दें, हम रिकॉर्ड वाली मॉनिटरिंग की कमी बता रहे हैं। इंस्पेक्टर राज कोई नहीं मिलता है, उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारा यहाँ का बाकी है पहले ये चुकाओ, यहाँ का बाकी है पहले ये चुकाओ, उसको इतने कागज बताए जाते हैं कि उसको कोई काम नहीं मिलता। और जो स्कीम है वो ये साहब ब्यूरोक्रेसी तो जितनी कांग्रेस के जमाने में थी उससे ज्यादा खराब अब है। आप कह जरूर रहे हैं लेकिन आप भी स्वस्थ, प्रैक्टिकली आप भी स्वस्थ हैं, आप भी अंदर से मुस्कुरा रहे हैं, हमें पता है। प्रैक्टिकली आप भी मानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी भाजपा पीड़ित है। किसानों को जितनी फैसिलिटीज मिल रही है और किसानों के लिए जितनी भी फसल बीमा योजना को 50% इंक्रीज कर दिया गया, 32 रुपए के चेक मिले, 32 रुपए के फसल बीमा के, ये हालात भी सुन लीजिए, 32 रुपए के चेक मिले, प्रैक्टिकल आप भी जानते हो, आपके क्षेत्र में भी मिले। सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा, जिनने मांगी नहीं, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस से जो चुनाव लड़े थे आलोक चतुर्वेदी, उनने तो डिमांड भी नहीं करी थी ना, उनकी फसल खराब हुई थी, उन्हें फिर भी चेक मिल गई थी, उन्हें वापस भी करा था कि देखो हमें चेक मिल गया, हमारी तो फसल भी नहीं बोई हमने, उन्हें वापस भी किया था। इस तरह की ये भी यहाँ हुआ है, वो भी सामने आ रहे हैं लगातार। और फसल बीमा योजना की जहां तक बात करें, मध्य प्रदेश में और छतरपुर जिले में भी काफी विफलताएं की खबरें उसकी उसको लेकर आई थी। ये कभी कभी टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है आलोक चतुर्वेदी जितनी लकी हो के उनकी फसल भी ना खराब हुई हो, लॉटरी निकाल और उनकी लॉटरी निकल जाए, है ना। राजनीतिक रूप से मैं इन बातों को जाके अपन अगर बात करें तो उसको थोड़ी उस तरीके से लें। हाँ, हमारे छतरपुर जिले में कुछ ब्यूरोक्रेट्स की गलती की वजह से ये कुछ गलतियां हुई होंगी, हम स्वीकारते हैं, जो कि कभी कभी कंप्यूटर की वजह से भी हो जाती है। लेकिन अगर आपने जो प्रश्न किया है किसानों के लिए, किसानों को इस बजट में और किसानों को नोटबंदी में किसी भी प्रकार की ना दिक्कत होगी और ना हुई है। ये बजट पूरा का पूरा उनके विकास के लिए है, उनकी सुविधाओं के लिए है। और जितने भी चीज़ें, अब आपको एक चीज़ तो हमारे ख्याल से कई चीज़ों की स्कीम के बारे में अपन को पता भी नहीं होता है। अगर आप सोलर एनर्जी अपने एग्रीकल्चर एरिया में लगाते हैं तो आपको पता है कि हमारे बुंदेलखंड में सबसे बड़ा सोलर एनर्जी का प्लांट लगने के लिए छतरपुर में आया था। सर, छतरपुर के जिला अस्पताल में 34 लाख का सौर प्लांट लगा था 2 साल पहले, वो बंद पड़ा है, कोई देखने भी नहीं जा रहा उसको। इसके बारे में सर अगर आप बोल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी वो है, एक मॉनिटरिंग के लेवल पर भी बहुत मॉनिटरिंग है। देखिए सर, अधिकारियों को अगर मॉनिटरिंग करना नहीं आता है, सरकार का काम होता है सुविधाएं प्रदान करना, तो कुछ अधिकारियों पर शिकंजा कसना भी सरकार का काम नहीं सर। लोकल के जनप्रतिनिधियों को, ये छतरपुर का जो मसला है ना, छतरपुर के विधायक को या छतरपुर के लोगों को या छतरपुर के तो आप भी हैं, आप लोगों को भी तो अपना विरोधी पक्ष टाइट रखना चाहिए। अधिकारियों की तो छोड़िए अंकुर जी, अब तो यहाँ स्थिति हो गई है, यदि कोई अपनी मांग रखने मुख्यमंत्री के पास जाता है तो मुख्यमंत्री मंच से कहता है कि चुप हो जाओ, नहीं तो जैसे हो वैसे ही रहोगे, अब वो किसके पास जाए। हम भ्रमित हो रहे हैं, विषय से भ्रमित ना होके हम वापस आए। हम आपको इतना बता सकते हैं कि जितने भी अपने पर्चा पूरे के अंदर जितनी ये सुविधाएं अभी मिली है अपने बजट के अंदर, उनमें किसानों को भरपूर लाभ मिलेगा। योजनाओं को समझने के लिए आप उचित कार्यालय में जाएं और उनसे अगर पूछें, और उसकी मॉनिटरिंग के लिए अगर हमारे जनप्रतिनिधि थोड़ी और जागरूक हों, तो जैसे ही आपने बात बताई है, कई ऐसी चीजें हैं आजकल अपनी जैविक खेती के लिए, कई आयुर्वेदिक हर्ब्स के वो लगाने के लिए, ये अपने यहाँ पे
छतरपुर जिले में आई, जिनको कई लोग उनको लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। आपके लिए एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊंगा कि ये जितने भी पंप्स हैं जिनके लिए मैंने लिस्ट में लिखा है, क्योंकि अभी मैंने बजट देखा है, इसमें 1,00,000 रुपए के पंप के लिए आपको मात्र 25,000 रुपए देना पड़ेंगे। उसके लिए कोई भी ब्यूरोक्रेट्स, जो आप कह रहे हैं ना कि 10 ऑफिसों में जाना पड़ेगा, ये आपके जमाने में थी नीतियां, ये खत्म हो चुकी है। किसानों के लिए अपने अपने दावे हैं। शर्मा जी ने कहा कि हमारे जमाने में थी, हम तो चाहते हैं, चूंकि शर्मा जी खजुराहो से आते हैं, पर्यटक ग्राम, पर्यटक शहर है और टूरिस्ट वाला काम है, एक बार कभी अपने गांव के बगल वाले के यहाँ जाके थोड़ा सा पता कर लेना, उसको पंप दिलाने की कोशिश करना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मिलता है और क्या हो रहा है। स्थितियां ये है, चूंकि आपकी भी गलती नहीं है, आपके आपके नेताओं की प्रशासन वाले कोई सुनते नहीं है, इसलिए आप लोगों की भी गलती नहीं है कि आप सुनाएंगे किसको, कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से। अभिषेक जी, ये बदलते भारत का बजट कहा जा रहा है, और जिस हिसाब से सरकार ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया है नोटबंदी के बाद, सभी जगह डिजिटलीकरण की बातें हो रही हैं, इस बजट में जो देश में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की बातें की जा रही हैं, इसका कितना लाभ आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है, और इससे कितना जो है सरकार को इसका लाभ होगा? देखिए, निश्चित ही डिजिटल मोड से सरकार को बेनिफिट ज़्यादा होने हैं। जो उनने 8% की जगह 6% उन्होंने नेट प्रॉफिट उतारा है, कि जो सालाना टर्नओवर जिनका 2 करोड़ से ऊपर है उनको 6% टैक्स देना पड़ेगा, या जो डिजिटल मोड से पेमेंट करेंगे उनको हम 8% की जगह 6% नेट प्रॉफिट रिफ्लेक्ट करेंगे। मतलब हाँ, मैं वही सरलीकरण थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ कि अगर हम डिजिटल मोड पर जाएंगे तो सरकार को छूट दे रही है। जी, सरकार उसको प्रेफरेंस दे रही है कि आप डिजिटल मोड से पेमेंट करेंगे तो जो नेट प्रॉफिट का परसेंटेज है आपका वो 8% की जगह फिर 6% रहेगा। निश्चित ही इससे व्यापारी को फायदा मिलेगा, जब व्यापारी को फायदा मिलेगा तो निश्चित ही उससे आम जनता को फायदा, आम जनता को महंगाई भी थोड़ा सा असर कर सकती है इसमें, यदि अपन डिजिटल मोड से पेमेंट करेंगे तो। युवाओं के लिए क्या संभावनाएं नजर आ रही है? युवाओं के लिए संभावनाएं अत्यधिक है, क्योंकि युवा आज के समय डिजिटल मोड से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ, 80% से ज्यादा युवा ऑनलाइन फैसिलिटी से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित ही युवाओं को, जो आपके रेल बजट में भी है, ऑनलाइन ई टिकटिंग पे जो सरचार्ज हटाया गया, वो इसलिए हटाया गया है कि डिजिटल मोड को कहीं ना कहीं हमको बढ़ावा देना है, तो जिसका आप देख रहे हैं पेटीएम वगैरह में कितना ज्यादा उनके जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं डे बाय डे काफी इंक्रीजमेंट हो रहा है। कैशबैक करके भी एक वर्ड आया था जेटली जी के भाषण में कि हम कैशबैक देंगे जो डिजिटल मोड से करेंगे। हाँ, उसमें कहीं ना कहीं जो उनकी स्कीम्स हैं अपना डिस्कस करेंगे, अभी मैंने भी लिटरेचर ज्यादा नहीं पढ़ा है, तो जो उसमें स्कीम है वो यही है कि प्रमोट करने के लिए वो 2-4 स्कीम ऐसी ला रहे हैं जिसमें वो कैशबैक करेंगे। आप इसमें क्या बुराई नजर आती है अगर देश डिजिटल क्रांति से जोड़ा जा रहा है? डिजिटल हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप के पास पहले पूरा स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए, व्यवस्थाएं होना चाहिए। आप पे टू मोदी से आप पेमेंट कराएंगे और उसको फायदा दिलाएंगे, उसको अरबों रुपए का आप एक कंपनी को फायदा दिलाएंगे, इसमें प्रधानमंत्री का विज्ञापन में फोटो आएगी, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, एक 100 का नोट हम खर्च करें और 2.5 रुपए पहले कमीशन में दें, सर कहां लग रहा है बंद? सब में लग रहा है, कहीं बंद नहीं हुआ, केवल 2 महीने के लिए बंद किया गया था, वो भी जो आप सरकारी उसमें देते थे, प्राइवेट में सब में लग रहा है, आज भी लग रहा है। सर्विस टैक्स केवल इन्हें सर्विस चार्ज बंद किया है आज रेलवे टिकट पे, उस बाकी सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज में पहले ही उन्होंने डिस्कस किया था कि सर्विस चार्ज ऑप्शनल है, सर्विस चार्ज इज जस्ट लाइक टिप, वो जपन होटल में देते वो होटल के लिए है। हम कर रहे हैं इसकी बात, इसमें आपको बैंक का चार्ज, जब आप रेलवे की टिकट लेते हैं तो आपको बैंक का चार्ज लगता है 10 रुपए एक टिकट पे, वो आज भी लगेगा, उसके बाद जो कमीशन लगता है वो अलग लगेगा। केवल उन्होंने सर्विस टैक्स में इसमें छूट दी है आपको, वो अभी दी है, उसके पहले भी आपको बता दे कांग्रेस गवर्नमेंट में भी 58% से ज्यादा लोग ई टिकट से ही रेलवे टिकट लेते थे, और ई टिकट कहीं कोई बुराई नहीं है, जिसको भी सुविधाजनक होना चाहिए, जिसको भी यदि आपको नहीं जाना है वहां प्लेटफॉर्म पर टिकट लेने, आप ई टिकट लीजिए। बहुत से काम है जो ऑप्शन जो ई टिकट हमें पसंद है हम ले सकते हैं, लेकिन आप कंपलसरी नहीं कर सकते कि हमें नहीं लेना, हमें नहीं देना है कमीशन है ज्यादा पैसे, तो उसके लिए कोई मान्यता नहीं, वो नगद में भी ले सकता है तो उसको नगद में भी छूट है, लेना चाहिए, लेकिन केवल एक कंपनी के लिए, पूरी सरकार यदि काम करेगी तो ये देश हित में नहीं। तो और भी कई पक्ष अभी इस बजट को लेकर निकल कर आएंगे, एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जारी है चर्चा नोटबंदी के पहले बजट पर।
अपने परिवार को दीजिए जीवन का सबसे कीमती तोहफा। पेप्टेक टाउन में चुनिए अपने सपनों का घर। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी एवं विकसित टाउनशिप में आज ही बुक कराएं। मनपसंद स्वतंत्र बंगला और प्लॉट्स आधुनिक सुविधाओं के साथ। NH-75 छतरपुर झांसी मार्ग पर विकसित टाउनशिप, 80 फीट चौड़ी सड़कें, भव्य राधा कृष्ण मंदिर, 24 घंटे पानी और 24 घंटे सिक्योरिटी। खरीदारी के लिए सुपरमार्ट, खूबसूरत गार्डन, मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट भी। और आने वाले समय में आपको मिलेगी इंटरनेशनल स्कूल और हॉस्पिटल की सौगात। तो आज ही आए पेप्टेक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, 15 किशोर सागर कॉम्प्लेक्स छतरपुर। जेपी सिनेमा लेकर आया है आपके स्मार्टफोन के लिए जेपी सिनेमा ऐप। अब मोबाइल पर ही जानिए नई फिल्मों के अपडेट्स, उनके टिकट रेट्स और बुक कीजिए अपना शो अपने मोबाइल पर। जेपी सिनेमा ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, टाइप कीजिए जेपी सिनेमा और इंस्टॉल कीजिए अपना पसंदीदा ऐप जेपी सिनेमा। जेपी सिनेमा ऐप डाउनलोड होने के बाद अपनी मूवी बुक करना है बहुत ही आसान। पिक्चर सिलेक्ट कीजिए, शो टाइम पर जाइए और अपनी सीट सिलेक्ट कीजिए। साथ ही चुनिए भुगतान करने के तरीके को। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू अपनी मूवी का टिकट खरीद सकते हैं। तो जेपी सिनेमा के साथ हो जाइए अपडेट और लीजिए अपनी मनपसंद मूवी का मजा। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सिटी हॉल में। हम चर्चा कर रहे हैं नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार के पहले बजट पर। नोटबंदी का कितना असर इस बजट पर देखने को मिल रहा है, इस विषय पर हम आज सिटी हॉल में चर्चा कर रहे हैं। एक खास पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रभात अग्रवाल, भाजपा नेता सुधीर शर्मा और टैक्स लॉयर बजट एक्सपर्ट अभिषेक खरे जी हैं। कई पहलुओं पर हम ब्रेक पर जाने के पूर्व चर्चा कर चुके हैं और अब जिस पहलू पर चर्चा करनी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी जिंदगी से जुड़ा विषय है। नोटबंदी के बाद ये कहा जा रहा था कि देश के हालात बदलेंगे, 50 दिन सरकार ने, मोदी जी ने मांगे थे और फिर ये कहा था कि इस 50 दिन के बाद जब हालात सुधरेंगे तो देश के पास बहुत बड़ी तादाद में पैसा आएगा और वो पैसा देश के विकास में उपयोग किया जाएगा। आज का ये बजट, अभिषेक जी, क्या आपको लगता है कि नोटबंदी के उस सरकारी वादे के बाद जो हालातों को सुधारने की तरफ एक कदम है तो उसमें प्रोत्साहित करने वाला बजट है? जितना क्रांतिकारी बजट होना चाहिए था उतना बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक संतोषजनक बजट है। जितनी आदमियों को उम्मीद थी इस बजट से, आदमियों को उम्मीद काफी थी कि नोटबंदी के बाद एक असर रिवर्सनरी चेंज आएगा जिससे कि हर व्यक्ति को रिलैक्सेशन मिलेगा। नहीं, ऐसी कोई ज्यादा सहूलियत नहीं दी। हाँ, उन्होंने हल्का रिलैक्सेशन दिया है, सिर्फ मध्यम वर्ग लोगों को या गरीब जो बिल्कुल नॉन टैक्स पेयर थे उनके लिए ही दिया। मिडिल क्लास लोगों के लिए ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। एक विषय मैं और जानना चाहूंगा, नोटबंदी के दौरान उन 50 दिनों के दौरान ये भय बहुत बड़ी तादाद में लोगों तक था कि अब जो है हमारे खातों पर सरकार की नजर रहेगी, हमारी कमाई पर सरकार की नजर रहेगी, और वो भय जो समाज में फैला हुआ था, क्या इस बजट के कारण उस भय को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की गई है? निश्चित ही इस भय को कम करने की कोशिश इसलिए की गई है, जो इन्होंने मेन चेंज किया है सिलेब में 10% की जगह जो 5% किया है। निश्चित ही आम व्यक्तियों को अवेयर कर जागरूक करने के लिए कि निश्चित ही आप टैक्स पेयर बनिए, जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स थे या जो नॉन रिटर्न फाइलर्स थे उनको प्रमोट करने के लिए, जो एक मन में भय था हम पैसे जमा करें कि ना करें, कहीं कुछ हम पे कोई कार्रवाई जो नहीं होगी, इस कार्रवाई को प्रमोट करने के लिए निश्चित ही जेटली जी ने जो कदम उठाया है वो सराहनीय है। बहुत बड़ी संख्या में लोग पैसा अपने घरों में रखते थे, क्या सरकार के इन कदमों से, नोटबंदी वाले कदम से और आज के इस बजट के जो प्रोत्साहन वाले पहलू हैं उनसे, क्या वो घरों में रखा पैसा अब बैंकों तक आएगा और उसका टैक्स में जो फिगर है वो बढ़ेगा? निश्चित ही जो घर में पैसा रखा रहता था अब हर व्यक्ति जागरूक हो गया है बैंक के प्रति, टैक्सेशन प्रणाली के प्रति, निश्चित ही ये पैसा बैंक में आएगा जिसका भी सरकार उपयोग कर सकेगी। प्रभात जी, हम मॉनिटरिंग के पहलू को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि किस तरह की मॉनिटरिंग होती है, लेकिन इसमें क्या बुराई है कि सरकारों ने, मोदी सरकार ने टैक्स के फिगर को अप करने की कोशिश की, उसको बढ़ाने की कोशिश की है, अब बड़ी संख्या में
जो टैक्स के रूप में पैसा है वो सरकार के पास आएगा, फिर वो विकास पर खर्च होगा, इसमें क्या बुराई है? देखिए कहीं कोई बुराई नहीं है, ये सरकार हो या पिछली सरकार हो सभी कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स का कलेक्शन हो, क्योंकि उसी से कोई भी सरकार हो उसी को विकास में लगाती है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है और सब सरकारें करती हैं। लेकिन आप एक तरफ देखो 5% छूट दी गई 5 लाख तक के वालों को, उनको टोटल छूट पड़ेगी 6-7 हजार रुपए साल की, और दूसरी तरफ वही 5% की छूट दी गई जो 50 करोड़ के व्यापारी, जो 50 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर है, जो कारखाने हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको भी 5% टैक्स में छूट दी गई है आज ही के बजट में। तो उनको आप बताइए कि उनको कितना परसेंट, उनको कितना पर ईयर छूट दी गई? हमारे छोटे व्यापारी 50 करोड़ के टर्नओवर पर उन्हें जो 30 का टैक्स का फिगर है वो 30% से घटाकर 25% किया है, 5% छूट दी। आप बताइए हमारे 5 लाख वाले व्यापारी को आप 5% दे के भाई भाई ताली बजवाना चाहते हो, और आपने दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट के खास आदमी जो व्यापारी है, जो उनका बड़ा चहेता है, जो उद्योगपति है, उसको भी 5% उन्होंने घूम के दिए है और उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है, इसके लिए सरकार काम करे। दूसरा हमारा ये कहना है कि नोटबंदी हुई, सरकार ने 3 उद्देश्यों के लिए नोटबंदी करी, और आज तक सरकार इस बजट में भी ये नहीं बता पाई कि हमारे देश का कितना रुपया 500 और 1000 के नोट में था जो रिजर्व बैंक के पास चला गया। रिजर्व बैंक की विश्वसनीयता इस सरकार के कार्यकाल में पूरी तरह खत्म हो चुकी है, कहीं कोई रिजर्व बैंक को सीरियसली लेता ही नहीं है, उनके खुद के कर्मचारी रिजर्व बैंक के खिलाफ हड़ताल में बैठ चुके हैं कि ये आरबीआई गवर्नमेंट को इस्तीफा देना चाहिए। आज के बजट में भी पूरे बजट में कहीं नहीं बताया कि कितना रुपया 500 और 1000 के नोट में था जो बैंक में जमा हो चुका है। सुधीर जी, ये विषमताएं हैं, इस विषय पर भी चर्चा होना जरूरी है कि एक तरफ 5 लाख वाले लोगों से तालियां बजवाने की कोशिश की गई है और वो बड़ा वर्ग भी है, लेकिन बड़े उद्योगपतियों को भी जो है सरकार ने उतनी ही छूट देकर एक तरह की विषमता पैदा की है। आप देखेंगे क्या दुनिया में कहीं भी जो इकोनॉमी चलती है वर्ल्ड के अंदर, वो व्यापारियों से चलती है, व्यापारी वर्ग को भी साथ लेना पड़ता है, किसानों को साथ लेना पड़ता है, क्राफ्टमैन को साथ लेना पड़ता है, वर्किंग मैन को साथ लेना पड़ता है, और ग्रोइंग जो अपने जिनको कहते हैं अपन विकासशील ग्रामों में जाके भी काम करना पड़ता है, उसमें सारे बजट के अंदर ये चीज़ें दिखाई गई हैं। आपने बोला है कि 5 करोड़ वाले को 5%, हम ये कहते हैं कि अगर हमारे देश में टैक्स एक डिस्काउंट की जो पॉलिसी जो दी है इस गवर्नमेंट ने, इससे अब की बार आने वाले आप एक और इस चीज प्रोग्राम को दोबारा रखिए, जिसमें प्रभात जी थोड़ी पढ़ लिख कर आए कंप्यूटर से, उनके घर में उनके बच्चे उनको देंगे पूरी स्टेटिस्टिक निकाल के, कि अगर बिजनेसमैन को आपने रिलैक्सेशन दिया है तो आप ये मान के चलिए कि बिजनेसमैन ज्यादा टैक्स करना पे करना शुरू कर देगा, और जो व्यक्ति टैक्स पे नहीं करते हैं उनको रिलैक्सेशन दिया है तो वो भी टैक्स पे करना शुरू कर देंगे। आज हमारे देश के अंदर कितने भी बड़े लोग हैं, जितना भी पैसा जो अपने अंदर घर में रखा हुआ पैसा जो बैंकों के पास पहुंचा है, आज दुनिया को पता चला है कि भारत कितना स्ट्रांग है इंटरनली। आज आपकी ग्रोथ के लिए पूरे वर्ल्ड बैंक ने आपको धन्यवाद दिया है। आज आपके जितने अकाउंटों के अंदर जितने प्रेशियस अकाउंट हैं जिनमें सोना रखा हुआ, वो डिक्लेयर होकर जब जाएगा तभी हमको पता चलवाएगा कि हमारे देश में कितनी कैपेसिटी है। आप अगर, अब मैं आपको एक मिनट के लिए बोलूंगा, आप लोगों ने सब कुछ किया, आपकी गवर्नमेंट के अंदर इतनी शर्मनाक चीजें हुई हैं कि एक नंबर के 6-6 नोट छपे। आज हम रिस्पेक्ट से बोलेंगे, आई हैव गॉट अ पर्सनल रिस्पेक्ट फॉर मनमोहन सिंह, वो एक अच्छे अकाउंटेंट थे लेकिन अच्छे प्रधानमंत्री नहीं थे, वो वर्ल्ड बैंक से सीख के आए थे, उन्होंने पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, वो बहुत अच्छी पॉलिसीज थी, लेकिन वो भ्रमित थे राजनीतिक लोगों से जिनके लिए काम करते थे। आज अगर मोदी जी को किसी व्यक्तिगत आदमी से, क्योंकि आप व्यक्तिगत बातें करेंगे, मोदी जी के लिए राष्ट्र है, मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी और किसी को भी यह पता नहीं था कि नोटबंदी कल होना है, कई लोग उसमें भी दुखी हुए। हाँ। नहीं, ये मुद्दा बहुत जरूरी है, जो व्यक्ति सवेरे से जागता है, जो व्यक्ति दोपहर में चलता है, जो व्यक्ति यात्राएं करता है, हर चीज को आप क्रिटिसाइज करते हो, आप इसमें क्यों नहीं बैठ के देखते हो? आप सामने बैठ के देखिए, आप देखिए 6,000 रुपए प्रेग्नेंट वुमेन को दिए गए, किसी वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसने ये चीज सोची होगी। ये सोच उस व्यक्ति की है, इस व्यक्ति को देश से लगाव है। आप क्रिटिसाइज कीजिए उन चीजों को जो लोग
गलत करते हैं देश के लिए, लेकिन अच्छी चीजें हैं उसको क्रिटिसाइज नहीं, हम आप रुकिए, अभाव है इस तरह की स्कीमें पहले भी जो हमारे यहाँ जो प्रेग्नेंट महिलाएं रहती थी उनको पहले थे उनको बढ़ाया गया, पहले भी दिए जाते थे उसमें बढ़ाया गया, पहले 5,000 थे उन्होंने 6,000 रुपए किए, आपको जानकारी कम है, हम तो ये कह रहे हैं कि ठीक है आपकी, हम ये भी नहीं कहते कि आप पढ़ के आया कीजिए, मैं आपको पढ़ा लिखा ही मान रहा हूँ, लेकिन मेरा निवेदन इतना है कि आप मनमोहन सिंह जी की तारीफ कर रहे हैं, निश्चित है यदि मनमोहन सिंह जी में गट्स नहीं होते तो 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं होते, क्योंकि एक बार तो कोई बाई चांस मोदी जैसे बन सकते हैं, लेकिन दोबारा बनने के लिए काम करना पड़ेगा। हम फिनिश करेंगे शॉर्ट कमेंट में, क्या इस बजट को हम किसान हित का बजट, युवा हित का बजट और बिजनेस फ्रेंडली बजट मान सकते हैं? बिल्कुल निश्चित ही ये बजट संतोषजनक है, निश्चित ही किसान और आम जनता के हित में है। शर्मा जी मैं लास्ट कमेंट बस 30 सेकंड, मैं इस बजट को भारतवर्ष के विकास का सबसे महत्वपूर्ण बजट मानता हूं। कुछ एक दो पहलू, एक दो मुद्दे जिनको लेकर आप ऐसा कह रहे हैं? यूथ, युवाओं के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए, हेल्थ के लिए और पर्यावरण पर्यटन के लिए। प्रभात जी, नोटबंदी के बाद आया हुआ बजट, नोटबंदी से पीड़ित व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, छात्र, महिलाएं, हमारी गृहिणी, जो माताएं बहने जिनका स्त्रीधन रुका हुआ, स्त्रीधन को इस सरकार ने निकलवा लिया, उनके लिए कोई राहत नहीं दी गई है, पूरी तरह से झुंझुना बजट है जो आम रूप से जारी किया गया। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में शामिल होने के लिए। नोटबंदी और उसके बाद आज का ये बजट, इन दोनों स्थितियों से आप तो गुजर ही रहे हैं, हम कोशिश कर रहे थे कि इन मुद्दों की समीक्षा की जाए, उम्मीद है आपको इस समीक्षा से कुछ लाभ हुआ होगा। आप सिटी हॉल को देखते रहिए, नमस्कार।